आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी राउल्ट्स लॉ की हम एक नई फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें हम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक हमारी एक एग्जांपल जो है वो रहती है, जो कि आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 9 है, जिसके अंदर हमने राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशन देखनी है। वो कहता है जी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, गिवन डाटा जो है हमारे पास वो है जी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सी इज़ 28.4 टॉर। वो कहते हैं जी कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है व्हेन सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मास आपको गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा है जी, शुगर केन, जिसका फार्मूला है C12H22O11। उसका मास आपको गिवन है जी 70 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको गिवन है जो कि क्या है 1000 ग्राम्स, जो कि सॉल्वेंट कौन सा है वाटर। ये डाटा आपको गिवन है एट द सेम टेम्परेचर। वो कहता है जी कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दो चीज़ें हमसे उसने मांगी हैं, वो है जी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो कि क्या है, जिसको हम कहते हैं P, ये मांगा है, एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको हम कहते थे डेल्टा P, दैट इज इक्वल टू द डेल्टा P, ये भी हमसे मांगा गया है। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम अगर राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करें, अप्लाइंग द राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ कहता था जी P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1, जिसमें P नॉट उसका प्योर वेपर प्रेशर था जो कि ये हमें गिवन है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था ना प्योर का, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो P नॉट हमारे पास गिवन है, x1 थी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की, वो हमने निकालनी है। तो हमारे पास क्या निकल आएगा राउल्ट्स लॉ के मुताबिक, पहला पार्ट निकल आएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकल आएगा। तो P नॉट हमारे पास मौजूद है, वी नीड x1। अब x1 के लिए हम सारा काम करेंगे। x1 क्या है, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब मोल फ्रैक्शन को अगर आप याद करें, एक आपका वाटर है और दूसरी आपकी शुगर है ना, ये दो कंपोनेंट्स हैं आपके पास। तो x1 बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, और x2 जो होगा आपके पास वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि वाटर प्लस शुगर होंगे। ऐसे ही था अगर आप रिकॉल करें। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ना तो वाटर के हैं और ना ही शुगर के हैं, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स मैं निकालता हूँ जी शुगर के, सबसे पहले n ऑफ शुगर। शुगर होगा मास ओवर मोलर मास, वेरी सी बात है। मास में गिवन है शुगर, उसने कहा जी हमने 70 ग्राम डाली थी 1000 ग्राम पानी के अंदर, 70 ग्राम मेरे पास मास है शुगर का। मोलर मास मैं कहाँ से निकालूंगा, मोलर मास मैं शुगर के फार्मूले से निकालूंगा C12H22O11 से। इसको आप सोल्व करें तो ये 342 बनता है, 12 इंटू 12 कार्बन प्लस 1 इंटू 22 और प्लस 16 इंटू 11। इस सबको सोल्व करें तो 342 आपके पास ग्राम पर मोल जो है वो आपके पास इसका आंसर आएगा। इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर आ गए जो कि निकले 0.20। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर मेरे पास जो थे N2, क्योंकि वन कंपोनेंट हमारा वाटर है, वाटर इज़ 1 एंड शुगर इज़ 2, तो हम जो है वो 2 लेके चलते हैं। तो N2 मेरे पास निकला है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ शुगर। अब मैं निकालता हूँ N1 जो कि क्या है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर, ये क्या होगा जी मास ओवर मोलर मास। मास हमारे पास पानी का, उसने कहा जी आपने 1000 ग्राम के अंदर 70 ग्राम डाले थे, तो 1000 ग्राम मेरे पास वाटर का मास है और मोलर मास इसका होता है जी 18.02। तो इससे जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 55.49 आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1। अब जो है मैं ये इन फार्मूलाज की मदद से मोल फ्रैक्शंस निकाल सकता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर X1 बराबर होगा N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 के। जाहिर सी बात है N1 मेरे पास क्या है, वो है जी 55.49 और 55.49 प्लस शुगर के निकले थे 0.2। तो यहाँ से मेरे पास जो X1 आएगा वो आएगा जी 0.9964। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, सिमिलरली X2 जो कि मोल फ्रैक्शन होगी शुगर की, वो होगी N2 ओवर शुगर के मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली शुगर के मोल्स से 0.2 और डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स प्लस शुगर के मोल्स। तो यहाँ से मेरे पास मोल फ्रैक्शन निकलेगी शुगर की। अब मेरे पास X1 भी मौजूद है और X2 भी मौजूद है। अब मैं अपने फार्मूले में राउल्ट्स लॉ के लगा के इक्वेशन निकाल सकता हूँ। राउल्ट्स लॉ था राउल्ट्स लॉ वाज P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू X1। पी नॉट मुझे शुरू में दे दिया था वाटर का, उसने कहा था जी 28.4 टॉर है इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर। उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा वाटर की मोल फ्रैक्शन से जो कि 0.9964 है, तो मेरे पास प्रेशर निकल आएगा सॉल्यूशन का जो कि 28.29 टॉर होगा पूरे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डेल्टा पी। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट जो है वो कहता था जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, डेल्टा पी भी मुझे निकाल के दो। अब डेल्टा पी क्या होता था, डेल्टा पी होता था जी आपके पास पी माइनस पी नॉट माइनस पी। अगर आप रिकॉल करें अपने राउल्ट्स लॉ को, तो पी नॉट हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का था जो कि हमें गिवन था 28.4 और इसमें से माइनस हुआ सॉल्यूशन का प्रेशर। सॉल्यूशन का प्रेशर कितना निकला, जो भी हमने निकाला वो निकला जी 28.29। तो इसीलिए इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं क्योंकि ये लो हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट का इतना था, सॉल्यूशन में जाके ये कम हो गया, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो डेल्टा पी मेरे पास आ गया 0.11 टॉर। तो ये हमने एप्लीकेशन देखी राउल्ट्स लॉ की। तो ये हमारा पिछला ही रिलेटेड काम था पिछले टॉपिक से जिसको हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है जी राउल्ट्स लॉ। कि राउल्ट्स लॉ कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे काम करेगा व्हेन बोथ कंपोनेंट्स, अगर ए और बी आपके पास कंपोनेंट्स हैं, बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। अब वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है या वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा उनके वेपर्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम पेट्रोल की बात करें, तो अगर आप किसी ओपन कंटेनर में पेट्रोल को रखें तो थोड़ी देर बाद वो पेट्रोल वहाँ से उड़ जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल मैटर है, उसके वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वो वेपराइजेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वेपराइज हो जाता है। तो अब हम राउल्ट्स लॉ को देखेंगे कि ये कौन सी शक्ल इख्तियार करता है जब हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स क्या हों, वोलेटाइल हो। तो अब हम दो लिक्विड्स कंसीडर कर लेते हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ये दोनों लिक्विड्स का आपस में मिलके जो है वो सॉल्यूशन बनेगा। इनके जो वेपर प्रेशर है ना, प्योर के ऊपर ये नॉट आता है, पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या होंगे, इनके प्योर वेपर प्रेशर्स होंगे। और जब यही आपस में सॉल्यूशन बनाएंगे तो फिर ये पी ए और पी बी इनके वेपर प्रेशर बन जाएंगे और इनकी जो मोल फ्रैक्शन होंगी वो उसी तरह एक्स ए और एक्स बी जो हैं वो होंगी। तो ये टर्म्स जो हैं हम लेके आगे चलेंगे। तो ए और बी दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं जिसके अंदर हमारे पास जो ए है दैट इज़ लो बॉइलिंग। लो बॉइलिंग का क्या मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इस कम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये वोलेटाइल ज़्यादा है, मोर वोलेटाइल होगा। ज़ाहिर सी बात है अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं कि ये ज़्यादा वोलेटाइल है, क्यों? क्योंकि उसकी वेपर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर 100 पे बॉयल होगा, इसीलिए उसके वेपर्स कम बनेंगे। और जो बी कंपोनेंट है दैट इज़ हाई बॉयलिंग। इन दोनों का कंपैरेटिवली जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये मोर वॉलेटाइल होगा। और हाई बॉइलिंग का मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसके वेपर्स कम बनेंगे नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। अब हम चलते हैं अपनी नई फॉर्म की तरफ कि अप्लाइंग राउल्ट्स लॉ ऑन बोथ कंपोनेंट्स ए और बी। इन दोनों के ऊपर मैं राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करूँगा। तो राउल्ट्स लॉ कहता था जी पी ए इज़ इक्वल टू P नॉट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई एक्स ए। यही कहता था राउल्ट्स लॉ के जो प्रेशर है A का, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सोल्यूशन इज इक्वल टू दी P नॉट जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था इनटू उसकी मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली मैं B कंपोनेंट पे जब राउल्ट्स लॉ लगाऊंगा तो ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मुझे अब चाहिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम। कि सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, इनका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा उसको मैं पी टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एंड पी टी इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज़ इक्वल टू, इसकी मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यू नो कि दो कंपोनेंट अगर हैं तो उनकी जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन होती है वो 1 के बराबर होती है। तो मैं एक्स बी की वैल्यूज़ निकालूंगा तो वो 1 माइनस एक्स ए आएगी। इस वैल्यू को उठा के मैं इधर डालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी की जगह मैंने 1 माइनस एक्स ए पुट कर दिया। यहाँ पे इसको अब हम जो है वो मल्टीप्लाई करा देंगे। पी नॉट बी अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वही रहेगा, और पी नॉट बी जो है आपके पास आ जाएगा एक्स ए के साथ। इसको अब अगर मैं रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और एक्स ए। इन दोनों में से कॉमन, इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन लिया एक्स ए, और ये शक्ल बच गई और ये वाली वैल्यू मेरे पास बढ़ जाएगी पी नॉट बी की शक्ल में। तो ये मेरे पास पी टी, ये मेरे पास जो है राउल्ट्स लॉ की नई फॉर्म आ गई। टोटल नंबर ऑफ जो से होंगे हमारे पास प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है वो हो जाएगा बराबर आपके इस शक्ल में आ जाएगा। तो ये था हमारे पास व्हेन द टू ऑफ द लिक्विड्स आर वॉलेटाइल। अब हम जाते हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब ये एक ग्राफ है जिसको हमें समझना है एंड दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वो ये है जी कि अगर आप के पास एक कंपोजिशन हो, ओके, ये क्या है कि ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है ये बताएगा जी कंपोजिशंस कैसे, ए और बी, और यहाँ पर ए और बी। मैं ये कहता हूँ कि शुरू में मेरे पास ए 100% था, बी 0 था। मतलब क्या था, ए का प्योर, अभी ये ए प्योर है कि ए के अंदर बी मौजूद नहीं है। फिर मैंने ऐसा सोल्यूशन बनाया कि ए 90% हो गया, ये 10% हो गया। फिर मैंने एक और कंपोजिशन बनाई, ये 80 हो गया तो ये 20 हो गया। फिर मैंने इसको कम किया 70, ये हो गया 30। इसको मैंने किया 60 तो ये हो गया जी 40। फिर मैंने इनको बराबर कर दिया 50-50। उसके बाद मैंने नई कंपोजिशन तैयार की जिसके अंदर ए मैंने 40 डाला और बी मैंने 60% डाला। फिर मैंने इसको 30, इसको 70, इसको 20 और इसको 80 और इसको 10 और इसको 90, और फिर ये प्योर हो गया बी 100 और ए 0। तो मेरे पास ये 10 डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, डिफरेंट कंपोजिशंस आ गई, डिफरेंट सॉल्यूशंस की। अब मेरे पास ए और बी जो दो कंपोनेंट हैं उनके मैंने 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस की ड्रॉ किया यहाँ पे, कि जिसके अंदर बी 10% था, 90% था तो ये वाली वैल्यू इस तरह। अब ये बी नॉट है, ये बी 0 है, सॉरी। अब ये ज़ीरो का मतलब है कि ये ए 100% है और ये प्योर है, तो प्योर की जो लाइन आएगी वो यहाँ पे आएगी, दिस इज़ पी नॉट ए। पी नॉट ए का क्या मतलब है कि आपके पास ए कंपोनेंट इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, 100% है, प्योर है, क्योंकि बी ज़ीरो है, तो ये पी नॉट ए आ गई। सिमिलरली यहाँ पर बी जो है वो 100% है, ए ज़ीरो है, तो बी 100% का मतलब है कि आपका जो कंपोनेंट है वो 100% प्योर है, तो उसकी लाइन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर पी नॉट बी आएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, ये वाला जो वाई एक्सिस है, दिस इज़ वेपर प्रेशर, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आपके जहन में आ सकता है कि पी ए ऊंचा क्यों है, पी बी नीचा क्यों है। इसकी वजह हमने शुरू में भी बात की थी कि ए इज़ दी लो बॉइलिंग लिक्विड। लो बॉइलिंग लिक्विड का मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए इसके प्योर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है पी बी से, क्योंकि बी हमारे पास हाई बॉइलिंग था। हाई बॉइलिंग लिक्विड का मतलब है कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, तो इस वजह से मैंने इनको ये जो है वो ड्रॉ किया। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो ज्वाइन कर देंगे, दिस इज समथिंग लाइक दैट। अब ये पी ए है और ये पी बी है। आपका जो सिस्टम है वो, आपका जो प्रेशर है वो इसके दरमियान में कहीं पे रहेगा। जाहिर सी बात है कि एक एक्सट्रीम ये है कि ए 100% हो गया, दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि बी 100% हो गया, तो इन तमाम कंपोजिशन के जो प्रेशर्स हैं वो इसके दरमियान में कहीं पे रहेंगे। अब हम जाते हैं, बात करते हैं अपने, ये तो थे नॉट वाले, पी नॉट ए पी नॉट बी मतलब प्योर। अब हम बात करेंगे पी ए की कि सोल्यूशन के अंदर इनके वेपर प्रेशर क्या है, पी ए और पी बी की बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बी जो है, इसकी वैल्यू, इसकी कंपोजिशन ज़ीरो है, बी मौजूद ही नहीं है, तो पी बी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ज़ीरो होगा, जाहिर सी बात है। फिर 10 के ऊपर ये थोड़ा सा आएगा तो इसका प्रेशर बनेगा, फिर 20 के ऊपर इसकी कंपोजिशन ज़्यादा होगी तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, 30 पे और ज़्यादा, 40 पे और ज़्यादा, और ये एक वक्त आएगा जब ये 100% हो जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो अब अगर मैं पी बी की वैल्यू लाइन ड्रा करूँ तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी, दिस इज़ द डॉटेड लाइन जो कि हर कंपोजिशन के ऊपर मुझे क्या बता रही है, उस बी कंपोनेंट की, उस बी लिक्विड का प्रेशर बता रही है उस सॉल्यूशन के अंदर। जाहिर सी बात है कि बी इस लेवल के ऊपर बी ज़ीरो है, ठीक है, ए 100% बी ज़ीरो, तो इसका प्रेशर ज़ीरो। ये 10% पे जब जाएगा, बी की परसेंटेज कंपोजिशन 10% हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो मौजूद है तो उसकी कोई प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर ये होगा, फिर वो 20 पे जाएगा तो और ज़्यादा, 30 पे जाएगा तो और ज़्यादा, हत्ता कि वो 100 पे जाके इसको टच कर जाएगा जो कि प्योर फॉर्म में था। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ए की बात करें, पी ए, तो वो ज़ीरो है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ए तो मौजूद ही नहीं है। ए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा 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 और इस पॉइंट तक जाएगा, तो ए की लाइन जो मेरे पास बनेगी वो स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस बन जाएगी। तो ये मेरे पास पी ए की डॉटेड लाइन आ गई और ये मेरे पास पी बी की जो है वो डॉटेड लाइन आ गई। तो इस ग्राफ की मदद से हम किसी भी कंपोजिशन के ऊपर मौजूद, हमारे पास कोई भी कंपोजिशन हो तो हम उसके ऊपर मौजूद पी ए और पी बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ग्राफ को स्टडी करने का मतलब ही ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ जी, मैं कहता हूं जी ये जी जो पॉइंट है इसके ऊपर, ये जी है, इसको स्ट्रेट लाइन है जी, ये जी के ऊपर मेरे पास बी है जी 20% और ए मेरे पास 80% है। ये मेरे पास कंपोजिशन है सॉल्यूशन की कि मैंने सॉल्यूशन बनाया जिसमें बी 20% डाला और ए 80% डाला। तो अब अगर मुझे पी ए और पी बी चाहिए तो इस लाइन से मैं, जो कि ये सही वाली लाइन है, इस लाइन से मैं लाइन को ड्रा करूँगा नीचे और ले आऊँगा इसको एक्सटेंड करके अपनी कंपोजिशन के ऊपर। तो अब ये वाली लाइन पी ए की लाइन को जहाँ कट करेगी और पी बी की लाइन को जहाँ कट करेगी वो इनकी वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल आएगी पी ए की इस कंपोजिशन के ऊपर, जी पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल आएगी पी बी की, क्योंकि ये पी बी की लाइन है, इस कंपोजिशन के ऊपर, जी के ऊपर। सिमिलरली मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ जी, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं x कह देता हूँ, तो मुझे चाहिए अब इस x पॉइंट के ऊपर PA और PB। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन नीचे ड्रा करूँगा। अब ये 40 और 50 के दरमियान में है, तो A मेरे पास है, आपके पास जो B है दैट इज़ 40 टू 45, ये होगा जी 45, और B जो है मेरे पास ये 45 है और A मेरे पास 55 है। दिस इज़ A, A की लाइन नीचे वाली है, तो ये होगा जी 55 यहाँ पर और ये 45। तो इस पॉइंट के ऊपर अब अगर मुझे PA और PB चाहिए, तो मैं देखूंगा कि ये इस लाइन को किधर कट कर रही है। तो PA की लाइन को यहाँ पे कट कर रही है, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा यहाँ पे और यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल आएगी PA की, और B की लाइन को यहाँ पे कट कर रही है, तो मैं इसको यहाँ से PB को जज कर लूँगा। तो दिस इज़ द ग्राफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सिचुएशन में हमारे पास वेपर प्रेशर को निकालने के लिए। तो ये ग्राफ को समझना और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये बहुत आसान है कॉन्सेप्ट आपका कि जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर वाली, ये दो एक्सट्रीम्स हैं P नॉट A और P नॉट B की, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इसके दरमियान में ही रहेगा, और वो दरमियान में ही है, क्योंकि ये सारा एरिया जो है इसमें से कहीं पे भी आपका जो है वो वेपर प्रेशर एक लहदा कंपोनेंट का निकल सकता है, लेकिन इससे ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि दीज आर द टू लिमिट्स, इस लिमिट के नीचे ही रहेगा ये जो एरिया मैंने शेड कर दिया। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द राउल्ट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स A एंड B आर वॉलेटाइल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।